नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वन समरी वन प्ले के तहत हम आप लोगों के सामने लाए हैं नाटक हमारी आलम पार। तो आइए देखते हैं, उससे पहले हम आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि आप लोग अपना अपना मोबाइल बंद रखें, ताकि हमारे कलाकारों को नाटक मंचन के दौरान कोई विघ्न या कोई परेशानी उत्पन्न न हो। तो आइए देखते हैं नाटक हमारी आलम पार। हमें ऊपर वाले पर विश्वास है महाराज।
तो ठीक है महामंत्री जी। महाराज ज्योति जी को ससमान दरबार में लाया जाए। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। हरिओम 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 हरिओम। ज्योति जी को हमारा कोटि कोटि नमन। महान बाबा महाराज आपने हमें याद किया। क्षमा चाहते हैं ज्योति जी जो हमने आपको कष्ट दिया, परंतु महाराज आप बेहिचक अपनी बात रखें। जी वो दरअसल बात ये है कि महाराज ज्योतिषी जी चिंता का विषय ये है कि इतने वर्ष हो गए हमारे राजमहल की दीवारों को किलकारी सुनने का मौका नहीं मिला। हम आपसे आग्रह करते हैं इसका कोई उपाय सुझाएं और हमारे राज की होने वाले उत्तराधिकारी का भविष्य बताएं। जी हरिओम 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 हरिओम। महाराज शुभ घड़ी महाराज शुभ घड़ी। महाराज सारे नक्षत्र और ग्रहों की दशा देखने के बाद ये साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि इस राज्य का उत्तराधिकारी रानी नौबहार के गर्भ से प्राप्त होगा। महाराज ज्योति जी हम आपकी इस भविष्यवाणी से बहुत प्रसन्न हुए। महामंत्री जी महाराज इस खुशी के मौके पर पूरे राज्य में सुगंधित पुष्पों के साथ दीपों को प्रज्वलित किया जाए। राज्य के कोने कोने में यह ढिंढोरा पिटवाया दिया जाए कि राज्य का उत्तराधिकारी आने वाला है। समस्त प्रजा के भोजन का प्रबंध किया जाए और ज्योति जी को ससम्मान विदा किया जाए। आयुष्मान भव। हरिओम हरिओम हरिओम। महारानी आज हम बहुत खुश हैं राज्य का उत्तराधिकारी आपसे प्राप्त हुआ। महारानी महारानी जी जी महाराज आखिर वो शुभ घड़ी आनी गई जब इस राज दरबार की दीवारों को किलकारी सुनने को मिलेंगे। महारानी कहीं आप इस बात से नहीं। महाराज मैं तो बहुत खुश हूँ महाराज बहुत। आखिरकार हमारे राज का उत्तराधिकारी नौबहार से प्राप्त होगा भला इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। मैं महाराज बहुत बहुत खुश हूँ बहुत। तो आइए फिर उत्सव की तैयारियां शुरू करते हैं। महारानी है और आप इसका अंजाम जानते हैं। बेशक आप कुछ भी कर सकती हैं
परंतु मैं महाराज के साथ दगा नहीं कर सकता। तो ठीक है, अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए महामंत्री। महारानी की जय। महामंत्री को राजधर्म के कार्य में बाधा डालने और राजद्रोह में लिप्त होने के अपराध में कैद कर लिया जाए, ये हमारा आदेश है। और हाँ, ये संदेश महाराज तक पहुंचा दिया जाए। जो आप किस धर्म और अधर्म की बात कर रही हैं महारानी? इस बात के लिए भगवान कभी आपको माफ नहीं करेगा। Thank you.
भी इन सभी कलाकारों को उपहार भेंट कर ससम्मान विदा किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। राजकुमार, राजकुमार कहाँ खो गए हैं आप? माँ, मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? हम अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप सभी से एक नया तोहफा मांगना चाहते हैं। ये भी कोई कहने की बात है? पूरा राज्य आपका है, मांगिए, क्या चाहते हैं? पिताश्री, हम उस रिक्तिका के नृत्य में इतना खो गए कि ना जाने कब हम उसके हो गए। हम उसे आपकी बहु बनाना चाहते। असंभव। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं राजकुमार? एक नृत्यिका से प्रेम? हाँ महाराज, हमें भी राजकुमार की पसंद पर आश्चर्य हो रहा है, और ये राजमहल के लिए शोभनीय नहीं है। हाँ महाराज, राज्य कुल की मर्यादा और मान प्रतिष्ठा का भी तो सवाल है। ठहरिए, आज हमारे पुत्र के लिए ही नहीं, इस राज्य के लिए भी मंगल दिन है, और मैं नहीं चाहती कि सदा दरबार में कोई अशुभ बात हो। महाराज, मैं आपसे विनती करती हूँ कि हमारे पुत्र की इच्छा पूरी की जाए। महारानी, जब आला मारा को बाबा जंगल से लाए थे,
तो इसके प्रधानों से प्रतीत हो रहा था महाराज कि ये किसी राज घराने से संबंध रखती है। राज्य घराने से संबंध रखती है, तो फिर आगा महाराज किसकी पुत्री है? महाराज की जय हो, पूरे राज्य की जय हो, पूरे राज दरबार की जय हो। महाराज ये इस राज्य का गड़ेरिया है और ये हमारे किले की तरफ चला आ रहा था, तो मैंने इसे रोका और यहाँ आने का कारण पूछा, तो इसने बताया कि मेरे पास महाराज के लिए गोपनीय संदेश है, इसीलिए महाराज मैं इसे आपके सामने लाया। कहो क्या संदेश लाए हो? महाराज मैं इस राज्य का एक साधारण सा गड़ेरिया हूँ, भेड़ बकरियों को पालना मेरा पेशा है। महाराज मैं ये संदेश सिर्फ राज्यसभा के सदस्यों के सामने ही कहना चाहूंगा। कहो। आप लोग महाराज हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इन सभा में रहने का इनकी उपस्थिति अनिवार्य है। आप अपना संदेश रखिए सज्जन पुरुष। महाराज आज से तकरीबन 17-18 साल पहले की बात है, मैं अपने भेड़ बकरियों को चराने एक घने जंगल की तरफ ले आया। उसी दिन संध्या काल में मैंने एक मासूम सी बच्ची की रोने की आवाज सुनी। आवाज सुनकर जब मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि क्या देखा तुमने? यही कि महारानी साहिबा उस बच्चे को लेकर अपने दो सैनिकों के जंगल की तरफ जा रहे थे और उस मासूम बच्चे को बड़ी बेरहमी से फेंक कर वापस लौट गई। अब कुछ देर बाद मैंने इन सज्जन पुरुष को उस बच्चे के जाते हुए आंखों से देखा। महाराज भाई जरा अपनी बकवास, रानी बेला छल लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम्हारी बात ये झूठ निकली तो हम तुम्हारा सर सर से अलग कर देंगे। महाराज मैं 100% सत्य बोला। तुम विश्राम कक्ष में जा सकते हो, जरूरत पड़ने पर तुम्हें दोबारा बुलाया जाए। क्या इस गड़ेरिये ने जो कुछ भी कहा वो सब सच है? जी महाराज यह सत्य है कि मैंने इस बच्ची को जंगल से लाया था। महाराज महारानी इस दरबार के समक्ष उस गड़ेरिये ने जो कुछ भी कहा और जिसकी पुष्टि बाबा ने की, क्या वो सब सत्य है? बोलिए महारानी। महाराज मुझे इस गड़ेरिये की बात से याद आ रहा है कि आज से 18 वर्ष पूर्व जब हमारे राजदरबार में ज्योतिषी महाराज आए थे और उन्होंने हमारे पुत्र होने की भविष्यवाणी की थी, उसी दौरान हमारे राज्य के पूर्व महामंत्री को कैद कर लिया गया था और उसी समय से उनकी पुत्री और उनका पूरा परिवार राज्य से गायब है। ये सारी घटनाएं महाराज ये सारी घटनाएं रानी तरफ इशारा कर रही है। महारानी आपका तथ्य, ये घटना और महारानी दिलबहार का इतनी खामोशी से दरबार से चले जाना इस बात की तरफ साफ साफ इशारा कर रहा है कि महारानी इस जघन्य अपराध के लिए दोषी है। पता ये मेरा आदेश है, महारानी दिलबहार को इसी क्षण बंदी बनाया जाए और पूर्व महामंत्री को रिहा कर दरबार में लाया जाए। जो आज्ञा महाराज।
महाराज, मैं तो सालों से कारागार में बंद था, पर मुझे कैसे पता होगा कहाँ है मेरा परिवार, कहाँ है मेरी पुत्री? महाराज, मैंने सारी उम्र इस राज्य की सेवा की और बदले में मुझे क्या मिला महाराज, क्या मिला मुझे? इससे अच्छा होता महाराज कि आप मुझे फांसी दे देते। नहीं चाहिए जिंदगी महाराज, नहीं चाहिए। दो शब्द बोलिए।
जो बोलना था मैंने बोल दिया। नाटक के तो आप लोग जान ही रहे होंगे, मेहनत करनी पड़ी बच्चों के ऊपर, पहला प्ले है इन लोगों का, तो अगर इसे कुछ शब्दों में अगर कमांड न रही हो तो इसके लिए भी क्षमा चाहूँगा, इतना ही कहना चाहूँगा। ये हमारे अपना नाम बताते जाइए। मेरा नाम शुभम सुरेला है। मेरा नाम सुभाषी है। मैं मोहन मेहरा। मेरा नाम हरराम पुजारी है। मैं सचिन साहू। मैं अविनाश पांडे। मैं तनु पांडे। मैं मोहन यादव। मैं अरुण कुमार। मैं रवि देव राय। मैं आयुषिता तिवारी। मैं रवि कुमार। मैं मनीष कुमार। मैं करमजीत कुमार। मैं अमित कुमार। मैं प्रद्युम्न कुमार। तो इस प्ले की यहीं पे समाप्ति होती है और उम्मीद करेंगे कि आप लोग हर बार इन बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए आए।